कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए।